I am Ghulam Ahmad Bhatt from UPS Rangwa Lalpura, Zoon Sagaon, District Kupwara. Class 6th subject math, topic playing with numbers, subtopic factors. Pyare bachcho, assalamu alaikum. Aaj jo sabak hum padhne ja rahe hain वो फैक्टर्स के मुतलिक है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स आर नथिंग, फैक्टर मीन्स फैक्टर, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट divisor of that number. फैक्टर क्या है? किसी नंबर का फैक्टर क्या है? कोई नंबर जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्ट तकसीम करता है वो नंबर इसका फैक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे या देखेंगे फैक्टर या फैक्टर्स या फैक्टर ऑफ वन, फैक्टर ऑफ वन क्या है? सिर्फ वन है। कैसे? हम वन को सिर्फ एक में तकसीम कर सकेंगे। फैक्टर ऑफ टू या फैक्टर्स ऑफ टू, दो को हम किन में तकसीम करेंगे या कौन से नंबर है जो दो को बराबर तकसीम करते हैं, यानी दो को उनसे तकसीम करने के बाद हमारे पास फ्रैक्शन नहीं बचती है। मसलन हम दो को वन में तकसीम कर सकेंगे और टू में। ऐसे अगर हम टू को वन से करेंगे, वन टू आर टू, रिमाइंडर इज जीरो। अगर हम 2 को 2 से करेंगे, 2 डिवाइड बाय 2, 2 वन आर 2, रिमाइंडर इज जीरो। एक से हमने किया है 2 को तो 0 निकला है, 2 से किया है 2 को तो 0 निकला है। इसका माने है फैक्टर ऑफ 1 1 है, फैक्टर्स ऑफ 2 1 और 2 है। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 3, 3 के हम फैक्टर कैसे निकालेंगे? 3, 3 के फैक्टर ऐसे है 1 और 3, यानी 3 को हम सिर्फ 1 और 3 में बराबर तकसीम कर सकेंगे। अगर हम 3 को 2 में तकसीम करेंगे तो 1 1 आएगा, तो 1 बचेगा। इससे हमें सीख लिया है 3 का सिर्फ 2 फैक्टर है, यानी 2 नंबर में इनको हम, या 2 नंबर है जो 3 को एग्जैक्ट तकसीम करते हैं वो 1 है और 3 है। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 4, यानी 4 को हम किन-किन, या 4 को किन-किन रकमों से एग्जैक्ट तकसीम होगा? 4 को सिर्फ 1 से, 2 से और 4 से एग्जैक्ट तकसीम होगा। अगर हम 4 को 1 में तकसीम कर देंगे तो इनके हिस्से में 4 4 आएंगे। अगर हम 4 को 2 में बांटेंगे या 2 में तकसीम करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे तो हर एक के पास 2 2 आएंगे। अगर हम 4 को 4 से करेंगे तो हर एक के पास 1 1 आएगा। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 5 है 1 और 5। 5 का हम सिर्फ 2 से तकसीम कर पाएंगे, एग्जैक्ट डिवाइड 1 एंड 5। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ सिक्स कौन कौन से है? 1 है, 1 में हम तकसीम करेंगे 6 को, 1 1 आएगा। 2 है, 2 से करेंगे तो 3 3 आएंगे। 3 है, 3 में तकसीम करेंगे, 3 से तकसीम करेंगे तो 2 2 आएंगे। इसके बाद सिर्फ 6 से, 6 में तकसीम करेंगे तो हर एक के हिस्से में 1 1 आएगा।
इसी तरह हम सेवन का भी निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ सेवन, फैक्टर्स ऑफ सेवन, फैक्टर्स ऑफ सेवन है, सेवन को हम किस किस में एग्जैक्ट डिवाइड करिए, किससे एग्जैक्ट डिवाइड होगा सेवन को, वन से और सेवन से। इस तरह हमने देखा है फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स या फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर, जिसे पूरा तकसीम होगा, यानी जिससे तकसीम करके हमारे पास बाकी कुछ भी नहीं रहेगा या रिमाइंडर जीरो निकलेगा। प्यारे बच्चों जब हम ऊपर देख लेंगे, जब हमने फैक्टर्स निकाले हैं कुछ उन पर ऑब्जर्व करने के बाद, हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनको हमें हर वक्त याद रखना चाहिए। कौन कौन से फैक्टर क्या 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 है ऊपर हम देख लेंगे। वन का फैक्टर निकाला तो वन निकला है, फैक्टर्स ऑफ टू के फैक्टर ऑफ टू हमने निकाले है तो वन निकला है, फैक्टर्स ऑफ थ्री हमने निकाले है तो वन निकला है, फैक्टर्स ऑफ चार हमने निकाले है तो वन निकला है। एंड इन फैक्टर्स पर, यानी इनसे ज्यादा भी हम अगर कहीं नंबर के फैक्टर निकालेंगे, फिर इन पर गौर करेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो पॉइंट्स हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, यानी पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो याद रखने की चीज है या याद रखने की बात है। एक क्या है, जब हमने फैक्टर निकाला है, हमने देखा है जिन नंबरों का हमने फैक्टर निकाला है वन हर एक में आया है, वन पॉइंट जो हमें याद रखना है वन, इसे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, याद रखना है वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एवरी नंबर। जब भी हम फैक्टर निकालेंगे तो पहला फैक्टर हम जो लिखेंगे वो वन लिखेंगे, वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, याद रखना। फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे इन फैक्टर से, वन का निकाला तो वन निकला है, टू का फैक्टर हमने निकाला है तो टू निकला है, थ्री का फैक्टर हमने निकाला है तो थ्री निकला है, चार का फैक्टर हमने निकाला तो चार भी उसका फैक्टर है, पांच का फैक्टर निकाला पांच भी उसका फैक्टर है। इससे हम क्या ऑब्जर्व किया है, इससे हमने क्या नतीजा निकाला है, दूसरा पॉइंट जो याद रखने का है, एवरी नंबर, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, याद रखना है हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर जरूर होता है। जैसे हमने देख लिया है वन का फैक्टर वन है, टू का फैक्टर टू है, थ्री का फैक्टर थ्री है, चार का फैक्टर चार है, पांच का फैक्टर पांच है। इन फैक्टर्स को निकालने के लिए ये भी हमने ऑब्जर्व किया है, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर खुद अपना फैक्टर जरूर होता है। इसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया है, जिन नंबरों का हमने फैक्टर निकाला है, जो फैक्टर निकले हैं वो फैक्टर या तो इस नंबर के बराबर है या तो इस नंबर से कम है। वन का निकाला है वन के बराबर है, टू का निकाला है टू के बराबर है या टू से कम है, थ्री के फैक्टर्स निकाले हैं थ्री के बराबर है या थ्री से कम है, चार के फैक्टर निकाले हैं चार के बराबर है या चार से कम है, पांच के फैक्टर निकाले हैं पांच के बराबर है या पांच से कम है, इसी तरह छह के फैक्टर निकाले हैं छह के बराबर है या छह से कम है। इस तरह हमने क्या सीखा, थर्ड पॉइंट याद रखने की, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर और ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, याद रखना। जब भी हम फैक्टर निकालेंगे किसी के, याद रखना फैक्टर कभी उस नंबर से बड़ा नहीं होगा, या जिसका हमें फैक्टर निकालना है वो जो फैक्टर हम निकालेंगे याद रखना वो उस नंबर से छोटा होगा
या इसके बराबर होगा, बड़ा कभी नहीं होगा। और हमने क्या सीखा है, क्या ऑप्शन किया है, वन का फैक्टर है, एक है, जो भी फैक्टर निकालेगा चाहे मैं निकालूंगा चाहे और कोई उस्ताद निकालेगा, वन का फैक्टर सिर्फ एक निकलेगा, यानी वन ही है जो वन को एग्जैक्ट तक तकसीम करता है। इसी तरह फैक्टर ऑफ टू जो है कौन कौन है, वन है टू है, अगर दूसरा भी कोई टीचर है इसको करेगा उसी को, इसको भी सिर्फ वन और दो निकलेगा, इससे ज्यादा और कोई नहीं निकलेगा। इसी तरह फैक्टर ऑफ थ्री है, अगर कोई और टीचर फैक्टर ऑफ थ्री निकालेगा उसको भी फैक्टर वन और थ्री निकलेगा। फैक्टर ऑफ फोर अगर और कोई उस्ताद या और कोई मेथड वाला निकालेगा उसका भी फैक्टर वन टू और फोर निकलेगा। उससे हमने क्या ऑब्जर्व किया है, उससे हमने क्या सीखा है, ये सीखा है फैक्टर्स ऑफ ए नंबर और फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स है ये बिल्कुल जितने मेरे पास है जितना मैं निकाल सकूंगा उतना और भी निकाल कोई दूसरा भी निकाल सकेगा, यानी उनका कोई हद है, वन का फैक्टर एक है कोई दूसरा नहीं निकाल पाएगा, टू के फैक्टर्स टू है कोई तीसरा बीच में नहीं आएगा वो बताएगा इसके तीन फैक्टर है, तीन के दो है कोई ऐसा नहीं आएगा वो जो ये बताएगा तीन के फैक्टर तीन है या तीन के फैक्टर चार है। यानी उससे हमें क्या याद रखना है, फैक्टर जो है फैक्टर्स ऑफ ए नंबर और फाइनाइट, फाइनाइट मीन्स इसका कोई हद है, ये हद के बगैर नहीं है। चौथा पॉइंट रिमेंबर, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर फाइनाइट, फाइनाइट मीन्स इनका कोई हद है यानी ये लामहदूद नहीं है। और हमने क्या जाना है, इसमें कुछ ऐसे एक को छोड़ के, वन सिर्फ एक है जिसका एक फैक्टर है, एक को छोड़ के बाकी सारी जो है या इनके दो फैक्टर है या दो से ज्यादा फैक्टर है, जिनके दो फैक्टर है यानी फैक्टर ऑफ टू इसके दो है, फैक्टर्स ऑफ थ्री इसके दो है, फैक्टर्स ऑफ चार इसके तीन है, फैक्टर्स ऑफ पांच इसके दो है, फैक्टर्स ऑफ छह इसके चार है, फैक्टर्स ऑफ सात इसके सात है इसके दो है, इसी तरह अगर हम बाकी नंबरों के फैक्टर्स निकालेंगे या दो निकलेंगे या दो से ज्यादा निकलेंगे, जिनके दो फैक्टर्स है उनको हम बता रहे हैं प्राइम नंबर्स, यानी जिनके सिर्फ दो फैक्टर है वन एंड नंबर इटसेल्फ वी कॉल देम एज प्राइम नंबर्स, जो बाकी है जिनको दो से ज्यादा है वी कॉल देम एज कंपोजिट नंबर्स, जिनको जिनके ज्यादा फैक्टर दो से ज्यादा है वो कंपोजिट नंबर है, जिनके दो फैक्टर है वो प्राइम नंबर है, यानी फैक्टर्स को हम दो में दो कई टाइप्स में बांटते हैं, कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है, दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वो कौन कौन से है, वन एंड नंबर इटसेल्फ, एक और नंबर खुद, दूसरा जो ग्रुप है वो कंपोजिट नंबर्स है, कंपोजिट नंबर्स, वो कौन से नंबर्स है, दोज नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, जिनको दो से ज्यादा है उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिनको सिर्फ दो नंबर दो फैक्टर है उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। शुक्रिया बच्चों, इससे हम आगे बाद में पढ़ेंगे।